कोरोना संक्रमण का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और वायरस का खतरा सामने आ गया। जीका वायरस को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल केरल में जीका वायरस के 14 संक्रमित मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त CMHO को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही केरल से आने वाले यात्रियों की भी जाँच की जा रही है। इस मौसम में दूसरी जो मौसमी बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो। तो जितनी भी इस तरह की वर्षा जनित और इसके आसपास होने वाली बीमारियां हैं उसके लिए हम लोगों ने लगातार तैयारी करके रखी हुई है। लकीली अगर हम देखें तो पिछले साल हमारे पास मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के केसेस काफ़ी कम हुए थे। हमें उम्मीद है कि हम लोग अपनी तैयारी अगर रखेंगे, हम लोग लगातार अगर सर्विलेंस बना के रखेंगे तो हम लोगों को इस बार भी इससे संबंधित परेशानियाँ नहीं। दुनिया भर में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे देश के लिए भी बढ़ती आबादी कई समस्याओं का कारण बनती जा रही है। इसकी वजह बर्थ कंट्रोल से जुड़ी जानकारियों का अभाव भी माना जाता है। इसी के चलते भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में नर्सिंग छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत नुक्कड़ नाटक पेश कर परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने के लिए हम अपने आप को फिर से जागरूक करते हैं और साथ में जो हमारे देशवासी हैं उनको भी जागरूक करते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो हमारे साधन हैं वो लिमिटेड हैं और अगर हम इसी तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे पास साधनों की कमी हो जाएगी। तो इस दिवस को सिर्फ जनसंख्या दिवस के रूप में न मनाते हुए पूरे माह को हम विश्व जनसंख्या माह के तौर पर मनाएंगे, जिसमें आपको मालूम है कि इस समय परिवार नियोजन के विभिन्न तरह के साधन स्थाई और अस्थाई हमारे पास मौजूद हैं।